मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हम मृत्यु से पीड़ा के कारण डरते हैं और इस विचार के कारण भी कि कहीं हमारा अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए, यह विचार गलत है। लाहड़ी महाशय अपनी महासमाधि के अगले दिन, यानी कि जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया उसके अगले ही दिन भौतिक देह में वापस आ गए थे। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि वे नष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि ब्रह्मांडीय नियमों पर प्रभुत्व पाने वालों के उदाहरण बहुत कम हैं। केवल इसलिए किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि उनका प्रमाण सत्य नहीं है। आपको मेरे परम गुरु जी बाबा जी के दिव्य प्रदर्शनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और न ही मैं उस प्रमाण की उपेक्षा कर सकता हूँ जिसे मैंने देखा है। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान अथवा जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है, यह आत्मा जो मूल रूप से परमात्मा की प्रतिबिंब है, इसे कदापि मृत्यु की वेदना या जन्म की पीड़ा को भोगना नहीं पड़ता, और न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी अस्तित्वहीन होती है। इस आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, यह परिवर्तन के मायाजाल से अछूती शाश्वत रूप से विद्यमान है। यह आत्मा शारीरिक विघटनों के समस्त काल चक्रों में सदा नित्य रहती है। कई बार जब कोई दूर रहने वाला भक्त बीमार या मृत्यु शैया पर था, तो उसने अपनी भक्ति के द्वारा मेरे सूक्ष्म शरीर को वहाँ खींच लिया। एक ऐसी घटना यहाँ पर भी हुई है। सेवा देती एक अनन्य भक्तिपूर्ण शिष्या थी, वह बहुत अधिक बीमार हो गई, परंतु उसने इस विषय में कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। वह जानती थी कि उसका इस पृथ्वी को छोड़ने का समय आ गया था। एक दिन जब मैं लॉस एंजलिस में उसके पास गया, तो उसने मुझसे पूछा, कृपया मुझे यहाँ और मत रोकें। कुछ समय बाद मैं एनसिनटास में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आश्रम में कुछ समय के लिए ठहरा हुआ था। मुझे एक रेडियो दिया गया था। मैं प्रातः जल्दी उठकर भारत से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुनता था। एक दिन प्रातः मैंने अचानक सेवा देवी के सूक्ष्म स्पंदनों को अंतर्ज्ञान द्वारा अनुभव किया। उसने अपनी भक्ति के द्वारा मेरे सूक्ष्म शरीर को अपनी ओर खींच लिया। मेरा भौतिक शरीर मृत समान हो गया। मुझे बाद में बताया गया कि सेवा देवी ने अपनी मृत्यु के ठीक पहले उद्गार प्रकट किया, स्वामी जी यहाँ हैं, स्वामी जी यहाँ हैं। वह मेरे द्वारा उसे दूसरे लोक में ले जाए जाने के प्रति सचेत थी। कुछ समय पश्चात मैंने उसके चमकते हुए सूक्ष्म स्वरूप को देखा। वह मेरी एक कक्षा में बैठी थी। वह उतनी ही वास्तविक लग रही थी जितनी कि जीवित अवस्था में। यदि किसी ने मुझे उस समय स्पर्श किया होता तो उसने भी उसे देख लिया होता। फिर भी जब कोई सूक्ष्म चेतना की उस अवस्था में होता है, तो वह प्राय दूसरों को स्पर्श नहीं करने देता। हम अनेक बार जन्म और मृत्यु से गुजरे हैं, तो फिर क्यों मृत्यु से भयभीत रहें? यह हमें मुक्त करने के लिए आती है। आपको मृत्यु की इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु इस ज्ञान में निश्चिंत भी रहना चाहिए कि इसके द्वारा हमारा अनेक कष्टों से पीछा छूटेगा। यह जीवन के कठिन परिश्रम के बाद सेवा निवृत्ति अथवा पेंशन है। मैं मृत्यु को अति आकर्षित बना रहा हूँ। लोग मृत्यु से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वे इस देह रूपी पिंजरे में इतने लंबे समय तक रहे हैं कि वे इसकी सुरक्षा छोड़ने से डरते हैं, परंतु भयभीत होना मूर्खता है। जरा सोचें, शरीर रूपी वाहन पर अब कोई मरम्मत किया टायर नहीं, कोई जोड़ तोड़ का जीवन नहीं, क्योंकि यह शरीर की इच्छा है कि वह मृत्यु तक इस पुराने शरीर को ही रखे। यह ईश्वर की इच्छा है कि वह मृत्यु तक इस पुराने शरीर को ही रखे, इसलिए हमें इसे रखना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। परंतु
मैं चाहता हूँ कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को समाधि में जाने की और नारद ऋषि की भांति आसानी से अपने शरीर रूपी वाहन को बदलने की क्षमता प्रदान कर दें। नारद जी दिव्य समाधि संपर्क में ईश्वर का गुणगान कर रहे थे और जब वे सामान्य चेतना में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पुराना शरीर छोड़ दिया था और एक नए युवा जीवन में पुनर्जन्म ले लिया था। यह देहांतरण का उच्चतम स्वरूप है। भारत में एक मरते हुए युवा की कहानी, जो अपने आसपास शोक में सिसकियों की आवाज़ सुनकर पुकार उठा, अपमान न करो मेरा, सहानुभूति के अपने रुदन से जब मैं ऊंचा जाता हूँ, प्रेम और प्रकाश के शाश्वत प्रदेश में मुझे ही चाहिए करनी सहानुभूति तुम्हारे प्रति। मेरे लिए अब नहीं रहे रोग, हड्डियाँ का टूटना, दुख विषाद या हृदयघात संताप। मैं आनंद का स्वप्न देखता हूँ, मैं आनंद में धीमे धीमे बहता हूँ, आनंद में लेता हूँ श्वास सदा सर्वदा। आप नहीं जानते आपके साथ इस संसार में क्या होने जा रहा है। आपको जीवित रहना और चिंता करते रहना है। जो मर जाते हैं वे हम पर तरस खाते हैं, वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनके लिए शोक क्यों करते हो। मैंने यह एक महिला को बताया जिसका पुत्र स्वर्ग सिधार गया था। मेरे समझाने के बाद उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, इससे पहले इतनी शांति मैंने कभी अनुभव नहीं की। मैं यह जानकर प्रसन्न हूँ कि मेरा पुत्र मुक्त है। मैंने सोचा था कि उसके साथ कुछ भयानक घटना हुई होगी। चेतन रूप से शरीर को छोड़ना और उसमें प्रवेश करना संभव है। गुरुजी का दूसरा टॉपिक, चेतन रूप से सजग रहते हुए रूप से शरीर को छोड़ना और उसमें प्रवेश करना संभव है। गुरुजी समझा रहे हैं, अनेक आध्यात्मिक रूप से विकसित लोग अपने सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, अथवा मृत्यु के समय आप भौतिक शरीर को छोड़ते हैं तो आप अपने भौतिक शरीर को मृत अवस्था में देखते हैं। ऐसा ही अनुभव उन्नत योगियों को अपनी इच्छा शक्ति द्वारा भौतिक शरीर से बाहर निकलने के समय पर होता है। इस प्रकार बहुत सारे संतों ने समाधि की अवस्था का वर्णन किया है, अपने भौतिक शरीर को मृत के समान देखा। इस प्रकार शरीर से बाहर निकलना और फिर वापस शरीर में चले जाना मनोरंजन के समान है। लेकिन अनेक लोग जो सोचते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं, वे केवल इसकी कल्पना करते हैं। केवल सोचने मात्र से ऐसा नहीं हो जाता, आपको इसकी विधि भी जाननी होगी। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह सूक्ष्म रूप से विचरण कर सकता है। मैंने कहा, मैं नहीं समझता कि आप कर सकते हैं, आप केवल कल्पना कर रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। फिर भी उसने हट किया कि मैं उसकी परीक्षा लूँ। मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, सूक्ष्म रूप में सीढ़ियों के नीचे जाओ और मुझे बताओ कि भोजनालय में क्या है। कुछ क्षण के लिए वह शांत हो गया और फिर उसने मुझे बताया, दाहिने कोने पर एक बड़ा पियानो रखा है। मैं जानता था कि वह इसकी कल्पना कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि इसकी सांस सामान्य थी, यानी कि उसके फेफड़ों में सांसें चल रही थी, और उसकी नाड़ी भी सामान्य थी, यानी कि उसकी धड़कन सामान्य थी। इसके विपरीत, मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप वहाँ पर एक मेज के पास दो महिलाओं को बैठा पाएंगे। वह मुझ पर हंसा। उसके बाद हम दोनों नीचे उस भोजनालय में गए। कोने में न तो कोई पियानो थी, परंतु एक मेज के पास वहाँ दो महिलाएं बैठी थी। अंत में वह समझ गया कि वह अपनी ही कल्पना द्वारा मूर्ख बन गया था। प्राय मैं अपने आंतरिक सूक्ष्म दर्शन में यूरोप के युद्ध की घटनाओं को देखता हूँ, परंतु वह एक चलचित्र की तरह दिखाई देता है। संसार हमारे लिए मनोरंजन के लिए बना है, न कि हमें यातना देने के लिए। ईश्वर ने अपनी सृष्टि का चलचित्र बहुत जटिल बनाया है, जो अच्छाई और बुराई की विषमताओं से भरपूर है। जब आप कोई सिनेमा देखने जाते हैं तो आप अनेक उत्तेजनापूर्ण दृश्यों को देखना पसंद करते हैं। ज़रा सोचिए, आप कितनी बार हत्या के रहस्य वाले चलचित्र देखते हैं, मूवी देखते हैं।
और जब सिनेमा समाप्त हो जाता है तो आप स्वयं से कहते हैं, वह अच्छा सिनेमा शो था। जीवन के इस सिनेमा को भी उसी अनासक्ति और मनोरंजन के भाव से देखना सीखें। इस तथ्य से एक शिक्षा सीखने को मिलती है कि इस समय हम मानवीय देह में कैद हैं और रात्रि में और मृत्यु के पश्चात हम प्रेतात्मा यानी कि सूक्ष्म शरीर बन जाते हैं। हमें अपनी प्रेतात्मा रूपी प्रकृति, अपने अदृश्य और शक्तिशाली प्रकृति को पहचानना सीखना होगा। परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते यदि आप शरीर पर एकाग्रचित रहते हैं। मुझे सिरदर्द हो रहा है, मुझे यह और वह चाहिए, मैं पालक पसंद नहीं करता, ऐसे ऐसे आपको भौतिक विषयों के पूर्व आग्रह पर अवश्य विजयी होना है। ऐसा आप किस प्रकार कर सकते हैं? अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दें। जब तक आप उन्हें दूसरे स्थान पर रखेंगे, वे आपको दर्शन नहीं देंगे। स्वर्ण, शराब और काम वासना आपको इस संसार के साथ बांधे रखने के लिए बनाए गए थे। ईश्वर इनका उपयोग इस परीक्षा के लिए करते हैं कि क्या आप उनके प्रेम की अपेक्षा इनको वरीयता देते हैं।